हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा जय हिंद। आज के इस वीडियो में मैं सीजीपीएससी कैसे क्रैक की और कैसे इस डीएसपी के पोस्ट तक पहुंची, उसी के बारे में आपसे साझा करने जा रही हूं। मैंने सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तैयारी किया है। जब मैंने सीजीपीएससी स्टार्ट किया उस समय मुझे सीजीपीएससी के बारे में कुछ भी नहीं आइडिया कुछ भी नहीं था। मैंने सिलेबस देखा क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, और मुझे छत्तीसगढ़ के बारे में भी उतनी डिटेल जानकारी मुझे नहीं थी। और उस समय मैंने फिर पढ़ना स्टार्ट किया। प्रीलिम्स का जब मैं तैयारी कर रही थी तो उस समय मैं एक दूसरे जॉब में भी थी, और जॉब करते करते ही सुबह और शाम बस मैं 2 टाइम तैयारी करती थी। ऐसे कोई फिक्स टाइम नहीं था कि मैं आज 5 घंटे पढ़ूँ या 10 घंटे पढ़ूँ वाला, बट ऑन एन एवरेज 3 से 4 घंटा रोज़ मैं पढ़ने लग गई थी। नवंबर में मैंने जैसे ही नोटिफिकेशन आया था तब प्रीलिम्स स्टार्ट किया था, और प्रीलिम्स में मैंने सिलेबस में उन टॉपिक्स पे ही फोकस किया जिनको मुझे कॉन्फिडेंट था कि मैं इनको अच्छे से कर सकती हूँ। और कुछ टॉपिक थे जो बार बार पढ़ने के बाद भी नहीं बनते थे, जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह जो टफ जाता, तो उन सारे सब्जेक्टों मैंने प्रीलिम्स में उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था, बस मैंने उसे करंट अफेयर की चीज़ें ही पढ़ी थी। और जब मैं स्टार्ट की पढ़ना तो मैंने, चूँकि मुझे छत्तीसगढ़ के बारे में उतना आइडिया नहीं था, तो पहले मैंने छत्तीसगढ़ का मैप बनाना सीखा और सारे ज़िले सबका लोकेशन, कौन कौन से ज़िले में क्या है, सब नक्शे में ही बना बना के पढ़ना स्टार्ट किया। और जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ती थी सबका नोट्स ज़रूर बनाती थी। जब मैं फर्स्ट टाइम बुक पढ़ी कुटेजा की, तो उसमें मैंने क्या किया कि पहले पूरे बुक्स को पढ़ा, उसके बाद दोबारा रीडिंग किया, उसमें मैंने अंडरलाइन करके पढ़ना स्टार्ट किया, और फिर तीसरी बार मैं नोट्स बनाना स्टार्ट किया। मैथ्स थोड़ा मेरे से बन जाता था इसलिए मैं मैथ्स में कम टाइम देती थी, लेकिन प्रैक्टिस अच्छे से करती थी और सारे फॉर्मूलास और जो जो मेन मेन मैथ्स के टॉपिक्स एग्ज़ाम में आते हैं उनको अलग से उसका भी नोट्स बना ली थी। मैं 2016 पीएससी दी थी, उस समय मैथ्स वाला पेपर जो सी सेट है वो क्वालिफाइंग नहीं था, उसमें वो भी स्कोरिंग था, और सी सेट और जीएस दोनों का मिला के उस समय सिलेक्शन हुआ था। तो ये कह सकते हैं कि मेरे सिलेक्शन में मैथ्स का अच्छा रोल था कि मेरे से मैथ्स बन जाता था इसलिए मेरा सिलेक्शन इजीली हो गया। और जब मैंने प्रीलिम्स दिया तो प्रीलिम्स का पेपर अच्छा गया, तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि मेरा इस बार प्रीलिम्स निकल जाएगा। फर्स्ट अटैम्प्ट होने के बावजूद भी मुझे लगा कि मुझे मेंस के लिए थोड़ा अच्छे से डेडिकेटेड होकर तैयारी करना है, इसलिए मैं अपने जॉब में लीव लेके फिर 1.5-2 महीने का तैयारी किया था। हम लोग का जो पीएससी हुआ था उसमें प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ज़्यादा टाइम नहीं था, फरवरी में प्रीलिम्स हुआ था और मई में ही मेंस हो गया था, तो टाइम मेरे पास कम था, टॉपिक्स बहुत सारे थे। और सबसे इम्पोर्टेंस था कि प्रीलिम्स जो सीजीपीएससी मेंस रहता है उसके सिलेबस के टॉपिक्स ही याद कर लेना वो भी बहुत बड़ा टास्क हो गया था मेरे लिए। तो मैं सिलेबस को अलग से प्रिंट आउट करके रखी रहती थी और हमेशा मेरे स्टडी टेबल में सिलेबस मेरे सामने रहता था ताकि मुझे सारे टॉपिक्स एटलीस्ट अच्छे से याद हों। इससे अगर किसी टॉपिक को मैं अगर पढ़ने में मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है या मैं उसको टाइम नहीं दे पा रही हूँ तो दिमाग में ये तो रहेगा कि ये टॉपिक है जिसको मुझे अभी पढ़ना बचा है। मेंस में भी मैंने वही किया था, मैंने टुटेजा में कोचिंग ज्वाइन कर लिया था, और वहाँ पे मेरे टीचर्स भी वही बोलते थे कि हम जो भी पढ़ते हैं उसका शॉर्ट नोट ज़रूर बनाएं। तो एक सिनॉप्सिस पैटर्न में जितनी भी सब्जेक्ट्स में पढ़ते जाते सबका नोट्स बनाते जा रही थी, पॉइंट वाइज नोट्स बनाती थी ताकि मुझे उसको रिविज़न करने में ज़्यादा टाइम न लगे। मेंस का जब पेपर देते हैं तो 3 से 4 दिन का शेड्यूल रहता है, और उसमें हमारे पास अगर हम डिटेल से नोट्स बनाए हैं या नोट्स नहीं बनाए बुक को पढ़ना है तो एक रात में जो अगले दिन 2 पेपर होता है उसकी तैयारी करना बहुत टफ हो जाता है। मैं शॉर्ट में सिनॉप्सिस पैटर्न में नोट्स बनाई थी, इसीलिए जब मैं मेंस का एग्ज़ाम देने जाती थी तो रोज़ मैं सारे टॉपिक्स एक बार रिविज़न करके ही जाती थी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आपको मेंस में अच्छा नंबर स्कोर करना है। जब मैंने मेंस का एग्ज़ाम ले रही थी तो उसी समय कॉन्फिडेंस आ रहा था कि पेपर कितना बनता है। कई लोगों को लगता है कि हाँ एग्ज़ाम दिया है लेकिन पता नहीं कैसे गया करके, बट अगर आप सीरियसली देंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपके कितने क्वेश्चन बने, तो ऑन एन एवरेज आपको कितने मार्क्स मिलेंगे और आपको कितना नंबर गेन करना है। और आप देखते जा रहे होंगे कि हर बार सीजीपीएससी में थोड़ा सा कटअप अगली बार में बढ़ जाता है, तो इसलिए मैंने पिछले साल का कटअप देख लिया था कितना जाता है, मैक्सिमम स्कोर किस सब्जेक्ट में कितने जाते हैं, उसी हिसाब से मैंने अपना तैयारी रखा था। और जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी तो शाम को आके एक बार वो कर लेती थी। अगले दिन पेपर देना है और आज का पेपर अगर बिगड़ गया तो माइंड बहुत
डिस्टर्ब हो जाता है कि मेरा आज का पेपर नहीं खराब गया है, कैसे फोकस करूँ, अगला पेपर कैसे पढ़ूँ, ये सब आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। और 3 से 4 दिन आप बस जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको पढ़िए और एग्ज़ाम में लिख के आइए, फिर कैसे गया क्या गया वो सब बिल्कुल भूल जाइए। जब 3 से 4 दिन के बाद जब सारे एग्ज़ाम हो जाते हैं तब सारी चीज़ों को आप रिवॉल्यूशन कर सकते हैं कि मेरा किस में कितना गया करके। फिर मुझे एक अंदाज़ा तो था कि मेरे मेंस में अच्छे खासे स्कोर आएंगे करके, फिर जब मेंस का रिजल्ट आया तो अच्छा भी था और मेरा इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो गया था, फिर मैंने इंटरव्यू दिया। मैं जो मेरा क्राइटेरिया था, मेरी जो स्ट्रेटेजी थी, मैंने ये रखा था कि मेंस में मुझे इतना नंबर लाना है कि मुझे इंटरव्यू के नंबर से कोई फ़र्क ना पड़े, और हुआ भी सेम। मैं इंटरव्यू में एवरेज नंबर थे लेकिन मेंस में अच्छा नंबर था करके मेरा रैंक अच्छा आया और मैंने 25th रैंक CGPSC में क्रैक किया था और उसके बाद फिर मेरा DSP में सिलेक्शन हो गया। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के तैयारी कीजिए, नोट्स ज़रूर बनाइए, जो शॉर्ट नोट रहता है वही आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहता है, और फ्रेंड सर्कल अच्छा बनाइए क्योंकि फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हमसे बहुत सारे टॉपिक्स नहीं बनते हैं, उसको हम कोचिंग में जाके अपने टीचर से पूछने में भी झिझकते हैं, लेकिन अगर फ्रेंड सर्कल में अच्छा हो तो हम आपस में एक दूसरे से बात करके उस चीज़ को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। और कई बार जब देखा जाता है कि हमसे कई क्वेश्चन नहीं बनते रहते हैं लेकिन जब हमारा कोई फ्रेंड उस क्वेश्चन को बना लेता है और वो हमें समझाता है तो वो एकदम हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो आप भी फ्रेंड सर्कल के साथ तैयारी कीजिए, इससे आपका माइंड भी अच्छा रहेगा। और CGPSC प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक सिलेक्शन तक का थोड़ा लंबा पीरियड होता है, तो अगर कई लोग ऐसे होते हैं जो अकेले अपने आप में ही तैयारी करते हैं, ज़्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं रखते, तो इससे डिप्रेशन में जाने का भी एक रहता है। कई लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि मेरा तैयारी नहीं हो रहा है, क्लास में सब लोगों का अच्छा बन जाता है मेरा नहीं बनता है। तो अगर आप फ्रेंड सर्कल अच्छा बनाए हैं जो अच्छा पढ़ाई लिखाई में हूँ और जो CGPSC को लेके फोकस्ड हूँ, सीरियस हूँ, तो आपका भी टाइम अच्छे से निकल जाएगा और सभी का मतलब अच्छा एग्ज़ाम जाएगा और आपका सिलेक्शन होने के चांसेस भी रहेंगे। और आप लोगों को कोई क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन बता दूंगी। थैंक यू।